ये हो गया आपका 465937.5 और ये हो गया आपका 7765625। अब आप देखिए यहाँ पे जो उसने मुझसे कॉस्ट पूछी है वो तो पर यूनिट पूछी है, पर यहाँ पर जो मैंने कॉस्ट है वो तो पूरी यूनिट्स के लिए निकाल दी। सर पूरी यूनिट्स मतलब मैंने 2500 यूनिट्स के लिए और 3125 के लिए निकाल दी ना, तो मुझे यहाँ पे जो ओवरहेड्स चाहिए वो मुझे कैसे चाहिए, मुझे ओवरहेड चाहिए यहाँ पर यूनिट के। तो मैं कहूँगा कि ये जो मेरी कॉस्ट आ रही है ये जो हमारी कॉस्ट आ रही है 465937.5 की, ये कितनी यूनिट्स के लिए है, ये है 2500 यूनिट्स के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा तो वो हम निकाल लेंगे, और सिमिलर बेसिस में 7765625 ये जो खर्चा ये कितनी यूनिट्स के लिए है, ये है 3125 यूनिट्स के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना होगा तो वो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका 248.50, और अगर इसको चेक करें अगर हम तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका 186.38, ठीक है जी। तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी ओवरहेड 186.38, और ये हो गई आपकी कॉस्ट 248.50 पर यूनिट आ गए। इनको हम ऐड कर देंगे तो ट्रेडिशनल के हिसाब से वाई को बनाने में पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है वो निकल जाएगी, और जी को बनाने में कितनी आ रही है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने किस मेथड से करा है, ये आपने करा है ट्रेडिशनल मेथड में। ये आपने किस मेथड से करा जी, ये आपने करा है ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से आपने इसको करा है। ट्रेडिशनल मेथड ने क्या बोला, ट्रेडिशनल मेथड कुछ नहीं देखता, बस वो तो देखता है खर्चे कितने हुए और उनको किसके बेसिस पे बांटना है। तो हमने कहा खर्चे हुए हमारे 12,42,500, उसने कहा किसके बेसिस पे बांटना है, हमने कहा डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे बांटना है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे हमने बांट दिया, कितना आ गया ये आ गया आपका 62.125। मतलब क्या, मतलब कि आपने सिंपल बोला कि एक घंटे के खर्चे कितने होंगे 62.125, क्लियर। चलिए हाँ या ना, चलो। फिर आपने कहा डायरेक्ट मटेरियल वो तो पर यूनिट दे रखा है आपको, डायरेक्ट लेबर 450-600, ये हम पर यूनिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपसे पर यूनिट मांग रहा है कि आप बताइए कि अगर हम ट्रेडिशनल के हिसाब से चलें, ट्रेडिशनल के हिसाब से मतलब अगर हम ओवरहेड्स को खर्चे को लेबर आवर्स के हिसाब से अप्लाई करवा दें, एब्जॉर्ब करवा दें, तो आप बताइए कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जी अच्छा एक ये मैंने आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया, अगर आप चाहें तो इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। वो क्या, आप बोल सकते हैं वाई की एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तीन घंटे, और एक घंटे की कॉस्ट कितनी है, एक घंटे की कॉस्ट है कितनी 62.125। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। सिमिलर वे में इसके लिए एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट कितनी आती है, एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट आती है 4 घंटे, ठीक है, और आपके हिसाब से कितना हो रहा है, आपके हिसाब से हो रहा है 62.125, क्लियर भाई। 4 घंटे लगते हैं और हमारे हिसाब से एक घंटे की कॉस्ट कितनी, एक घंटे की कॉस्ट इतनी है, तो कितनी हो जाएगी वो, तो उसकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने यहाँ पे करा यही है, कुछ नहीं करा हमने, हमने कहा यहाँ पर कि हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, तो हमने कहा जी कि हम यूनिट्स बना रहे हैं 2500, तो हमने कहा एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे, तो 2500 को बनाने में कितने, इतने घंटे लग जाएंगे, और एक घंटे का खर्चा कितना है, एक घंटे का खर्चा है 62.125, तो हमने कहा 7500 घंटों का खर्चा कितना हो जाएगा, तो 7500 × 62.125 खर्चा आया इतना। फिर हमने कहा ये जो खर्चा आया है ये तो टोटल 2500 यूनिट्स के लिए आया है ना, तो हमें पर किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है एक यूनिट के लिए, तो हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2500 से। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये लेंथी हो जाएगा, आप इस वे से कर लें, ये सिंपल है बड़ा, कि एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे और एक घंटे की कॉस्ट कितनी 62.125, तो 3 घंटे की कितनी हो जाएगी, वो ऐसे निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा मेथड, ये हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है, वो सेकंड पॉइंट वो आपसे पूछता है अज्यूम यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या, मान लीजिए कि कंपनी जो है वो क्या यूज कर रही है, कंपनी जो है वो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रही है। तो अब आप बताइए कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है जी, वाई की और
जेड की अगर कंपनी ने जितना बजट सोच रखा है उतनी ही यूनिट्स हमने बनाई है। तो देखो बहुत अच्छी बात, क्या आपको यहाँ पर खर्चों का ब्यूरो दे रखा था? हाँ या ना, यस ओ नो, आपको यहाँ पे खर्चों का ब्यूरो दे रखा था, ठीक है जी, याद है आपको? हमने खर्चों का ब्यूरो निकाला था, हमने कहा था कि 242,000 के लिए क्या दे रखा है आपको, 12 एक टुकड़े दे रखे हैं कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग इतनी है, मशीन प्रोसेसिंग इतनी है और प्रोडक्शन इंस्पेक्शन की इतनी है, तब जाके आपके 12,42,500 यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक्टिविटी बेस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले चीज़ जो आपको निकालनी है वो क्या है, आपको एक चीज़ बनानी है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे एस्टीमेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, ठीक है जी, एस्टीमेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। आपको याद होगा वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, आपको अगर याद है हमने कहा था कि सेटअप कॉस्ट है 20,000 और 25 इसमें 27 इसमें, तो कुल मिला के सेटअप कितने हुए 27, तो हमने पर सेटअप कॉस्ट निकाली थी, सेटअप क्या था हमारा, ड्राइवर था, तो यहाँ पे हम वही निकाल रहे हैं, एस्टीमेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, मतलब पर ड्राइवर रेट कितनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्टिविटी कौन कौन सी है, तो हमने कहा जी एक एक्टिविटी है हमारी किसकी, एक एक्टिविटी है हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग की, ठीक है जी, हमारी एक्टिविटीज के लिए हमारी एक्टिविटी है ऑर्डर प्रोसेसिंग की। हमने कहा जी इसका खर्चा कितना है, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ये है कितना, तो ये दे रखा है हमें कितना, 210,000 रुपये। अब आप देखिए ये है आपकी कॉस्ट पूल और ये है आपके ड्राइवर। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है आपको, ड्राइवर, नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, मशीन आर या फिर इंस्पेक्शन आर, ऑब्वियसली ऑर्डर प्रोसेस अच्छा लग रहा है, तो इसका जो ड्राइवर है वो कौन हो जाएगा, इसका जो कॉस्ट ड्राइवर लेवल है, कॉस्ट ड्राइवर लेवल वो कौन हो जाएगा जी, वो हो जाएगा आपका ऑर्डर प्रोसेस, नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस। और आप देखिए टोटल कितने ऑर्डर प्रोसेस करे हैं आपने, आपने कुल मिला के ऑर्डर प्रोसेस करे हैं 600, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी कॉस्ट ड्राइवर रेट कितनी होगी। याद आ रहा है क्या, मैंने आपको ऐसे ही बताया था, सेटअप कितना है 20,000 का, कितने हैं 25, 27, तो टोटल कितने हैं 27, तो हमने ड्राइवर रेट निकाली थी, कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय ड्राइवर, तो हम वही करेंगे, ठीक है जी, कॉस्ट पूल मान लो जी ये ए और ये बी, तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, ए डिवाइडेड बाय बी, तो कितना आ जाएगा, इसको आप करें 210,000 डिवाइडेड बाय 600 अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 210,000 डिवाइडेड बाय 600, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 350, मतलब कि हर एक ऑर्डर की प्रोसेसिंग पे कॉस्ट कितनी आती है, हर एक ऑर्डर की प्रोसेसिंग पे कॉस्ट आती है हमारी 350 की, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, अब हम आगे क्या है, आगे है मशीन प्रोसेसिंग, आगे क्या है आपकी मशीन प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी है, 8,75,000। अब हम ढूंढने की मशीन प्रोसेसिंग के लिए ड्राइवर कौन सा अच्छा है, तो मशीन आर या फिर इंस्पेक्शन आर, ऑब्वियसली मशीन आर अच्छा लग रहा है हमें, टोटल कितने हैं, टोटल है 50,000 रुपये, यहाँ पे आप नाम भी लिख दीजिए मशीन आर्स, तो अगर आप डिवाइड करेंगे 8,75,000 को 50,000 से तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ रहा है ये 17.50, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करें अगर आपके इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन आर्स जो है, सॉरी इंस्पेक्शन जो कॉस्ट है आपकी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, कितनी कॉस्ट है वो है 1,57,500 की, किसके हिसाब से, ऑब्वियसली इंस्पेक्शन आर अच्छा लग रहा है, तो इंस्पेक्शन आर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट को बांट देंगे, कितना आ जाएगा जी ये आ जाएगा आपका 10.50, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे Y की और Z की यूनिट कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जी, वो तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, क्वेश्चन में आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है आपको 300 की, तो कितना रहेगा 300 रहेगा, इसका कितना है, इसका है 450। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसकी है 450 और इसकी है 600, क्लियर। अब जो मुझे ओवरहेड खर्चे हैं वो भी मुझे कैसे चाहिए, वो मुझे चाहिए कैसे, वो मुझे चाहिए बॉस
पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कैसे निकालनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कॉस्ट जो है वो पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए ओवरहेड के पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपने जो ये स्टेटमेंट बनाया है इसके हिसाब से आप देखिए कि वाई के ओवरहेड के खर्चे कितने होते हैं और जेड के कितने हो, जी के कितने होते हैं, ठीक है जी। तो ओवरहेड की कैलकुलेशन जो है वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट वाई में कितनी और जी में कितनी। तो वाई में कितनी, 350 टाइम्स आपने क्या करा है, ऑर्डर प्रोसेस करा है आपका, ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको ड्राइवर में, और हमारे हिसाब से कितना है, रेट कितनी आती है, हमारे हिसाब से रेट भी कितनी है 350। तो 350 × 350 कोई दिक्कत। चलिए दूसरा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे है कितनी बार आपने करा है ऑर्डर करा है प्रोसेस को 250, और हमारे हिसाब से कॉस्ट कितनी है, हमारे हिसाब से कॉस्ट है 350 की। तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। दूसरी हम बात करें मशीन प्रोसेसिंग की, मशीन प्रोसेसिंग में हमने देखा कि हर मशीन प्रोसेस पे रेट कितनी है 17.50, आपने कितने घंटे करवाई है 23,000 घंटे, तो तुम्हारा पोर्शन कितना होगा, तुम्हारा पोर्शन हो जाएगा 23,000 × 7.50, और आपका कितना है जी, आपका है 27,000, तो आप लो 27,000 × 17.50, ठीक है। फिर हम बात करें इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन की हमारे हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर कितना है 10.5, मतलब हर घंटे पे 10.5, ठीक है। तो आपने कितना यूज़ करा है, आपके एक्टिविटी रही है आपकी 4,000 की, तो आप मल्टीप्लाई करो 4,000 × 10.5, और अगर इसकी बात करें हम तो इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा 11,000 × 10.5, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने क्या करा है, इस तरीके से आपने ओवरहेड को बांट दिया है वाई और जी में, ठीक है जी। कितना आ जाएगा इसको चेक करेंगे आप, 122,500 इसका आ जाएगा, 87,500 इसका आ जाएगा।